हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की एनर्जी जो कि आपके पार्टनर की है, डीएम साइड की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट भी हुई हो, नहीं तो अगर आप अपनी एनर्जी में हैं तो आपसे रिलेट जरूर करेगी। ठीक है जी, जो भी एनर्जी है आप अपने बड़े क्लियरफुली सुनिए। तो हो सकता है राइट वे आप लोगों की एक ओवर थिंकिंग हो, और हो सकता है कि आप डिवाइन से वो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो कि डिवाइन मुझे इस चीज़ का आंसर या मुझे क्लियरिटी दी जाए कि मैं इतना इनर वर्क कर रहा हूँ, या मैं थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल दूर हो चुका हूँ, डिटैच हो चुका हूँ, या मैं अब उनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, मैं सबसे कट आउट हो रहा हूँ, सिर्फ अपनी डीएफ के लिए ही वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी डीएफ वापस क्यों नहीं आ रही। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके भी हैं डीएफ, जैसे आप सोचते हो कि मैंने इतना इनर वर्क करा है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। इसी तरह सेम आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में सेम फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, कि किस तरीके से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूं और बाहर निकलूं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे जुदाई, जिस तरीके से वो आपसे परिश्रम मतलब आपको मिस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं एनर्जी देना बंद की है। क्योंकि इस टाइम जो पोर्टल चल रहा है इसमें तकरीबन मैंने आप लोगों को शायद यही सजेशन किया है कि आपके पार्टनर के साथ डिटैचमेंट में रहें और अपना इनर वर्क पे ध्यान दें। तो आपकी ना एनर्जी देने के कारण ये बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग जो वर्कआउट चल रहा है वो इसीलिए अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि आप आपके पार्टनर आप ही की इतना सोचना शुरू कर गए और आप ही के लिए तड़फ रहे हैं, लेकिन आप ने एनर्जी देना बंद करके उनके जो एक रिजल्ट की तरफ बढ़ाया है कि उन्हें भी अब परेशानी होनी शुरू होगी कि जैसे आप तड़पते थे कि मुझे क्लियरिटी दो डिवाइन से, वो भी क्लियरिटी मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग करने की वजह से हो सकता है आपको सफोकेशन फील हुई हो, घुटन फील हो रही हो और एकदम से आपका सांस फूलने लगा हो, भी ये एकदम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों होने लग गई हो, और साथ में आपका रूट चक्र आपका अनबैलेंस हुआ क्योंकि अभी बैलेंसिंग चल रही है, लेकिन वन पार्ट आपका थोड़ा सा ज़्यादा इस विचार को क्लैरिटी मांग रहा है, जिसकी वजह से वो अभी बैलेंस करने के लिए डिवाइन से कनेक्शन में आ तो चुके हैं, लेकिन उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी डिप्रेशन टाइप कह सकते हो, सैड एनर्जी थोड़ी सी कह सकते हो, आपके लिए तड़प रहे हैं। मतलब सैड ना कह के भी सैड है क्योंकि तकलीफ तो हो रही है ना बॉडी सरफेस पे, तो वो उनको सब फील हो रहा है, जैसे आप लोगों की ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ये सब सफोकेशन फील होती है, घुटन फील होती है, सबसे कट आउट फील करते हो, आइसोलेट करके रखना चाहते हो, डिटैच होना चाहते हो सबसे, लेकिन अपने डीएफ के साथ होने प्यार होने के बावजूद भी लव एक्सप्रेस ना करने की वजह से, उनको कमिटमेंट ना देने की वजह से, उनके साथ आगे ना ग्रोथ करने की वजह से जो आपको इस टाइम परेशानियाँ हो रही है या सामना करना पड़ रहा है आपके पार्टनर को, तो वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा है। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि बैलेंस अनबैलेंसिंग चल रहा है रूट का, तो इस वजह से आपके लेग्स में पेन हो सकता है, साथ में हेडेक भी हो सकता है क्योंकि ओवरथिंकिंग अगर ज़्यादा बढ़ गई तो वो सफोकेशन जो है वो आपके दिमाग पे असर कर सकता है। तो ये छोटी छोटी ये चीज़ों को नोट कीजिए, ये अभी राइट वे की करंट एनर्जी है जो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। ठीक है जी, एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हो, और नेगेटिव कमेंट यहाँ कोई नहीं करेगा, ना क्वेश्चन कीजिए, सिर्फ यस ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, बस ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए, पोर्टल चल रहा है तो मैं किसी का आंसर नहीं देने वाली हूँ। ठीक है जी, तो अब तक की ये थी करंट एनर्जी, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ, थैंक यू सो मच।